गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। तो आइए बात करते हैं, आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि 2019 में झारखंड बोर्ड में आया था, उसका मैं आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सिर्फ आंसर बताऊंगा। अगर आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएं, ताकि मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी नेक्स्ट वीडियो में ला के दिखाऊंगा और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट भी कुछ मैं बातें बतलाऊंगा। आज मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा और आज जो भी बच्चे एग्जाम दिए हैं वो उसका आंसर मिला लें, और ये 100% ऑथेंटिक आंसर मैं बतलाने जा रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर एक, H2O एक उदाहरण है ध्रुवीय आण्विक ठोस का, हाइड्रोजन आबंधित आण्विक ठोस का, या आयनिक ठोस का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा एक नंबर का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, वेग बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 एक उदाहरण है शून्य कोटि अभिक्रिया का, प्रथम कोटि अभिक्रिया का, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया का। चलिए बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। CH3Br प्लस 2Na प्लस CH3Br इक्वल टू CH3CH3 प्लस 2NaBr अभिक्रिया है, फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया, वोल्टज अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर चार। केलेमाइन अयस्क है जिंक का, एल्युमिनियम का, कॉपर का, या लोहा का। तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जिंक का। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच का। टॉलविन इक्वल टू ए क्लोरीन की उपस्थिति में और यूवी लाइट की उपस्थिति में जो है आपका ए क्या है? तो ए है बेंजीन, बेंजल्डिहाइड, क्लोरोबेंजीन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर छः, एसिटेल्डिहाइड प्लस 4 कंसेंट्रेशन ऑफ एच इक्वल टू ए, ए क्या है? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इथेन। ठीक है, मिला लेंगे अपना आंसर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टेस, इन्वर्टेस, यूरिएस, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा इन्वर्टेज, ऑप्शन नंबर बी। सात नंबर का ऑप्शन होगा बी। आइए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन। CH3COOH प्लस SOCl2 इक्वल टू उत्पाद, उत्पाद क्या है? तो CH3COCl, CH3Cl, CH2H5Cl, या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा CH3COCl। तो आप लोग अपना आंसर मिला लें, क्या क्या आप टिक किए थे। अगर आप लोग सही मारे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मारे हैं तो सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बहुत ईजी आया है, उसका आंसर उम्मीद करता हूँ लिख दिए होंगे और आपका रिजल्ट अच्छा हो, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आप लोग इसी प्रकार पढ़ते रहें, चुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और मेरे चैनल को देखते रहें। मेरे चैनल का नाम विक्रम ट्यूटोरियल केमिस्ट्री प्लस कंपटीशन। मैं आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज देने का प्रयास रखता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएँ और तब मैं आप लोग से मोटिवेट होकर के नया नया वीडियो केमिस्ट्री से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड और भी तरह तरह का वीडियो लाते रहूँगा, अन्य वीडियो भी लाऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।